अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इंग्लिश के ये फिकरात आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि ये फिकरात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी इंग्लिश जानकर आप वाकई ही खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इनमें से कुछ फिकरात उर्दू में आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो अगर आप भी इन फिकरात और इनसे रिलेटेड और फिकरात की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड पे आपके लिए एक क्विज़ भी होगा जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे बच के रहो, इसको इंग्लिश में कहेंगे बी वेयर ऑफ हिम, बी वेयर ऑफ हिम, बी वेयर ऑफ हिम। वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। आप कहाँ उतरेंगे? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं तो आपसे कंडक्टर पूछता है कि आप कहाँ उतरेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल यू गेट ऑफ, वेयर विल यू गेट ऑफ, वेयर विल यू गेट ऑफ। मुझे सख्त भूख लगी है, आई एम awfully hungry, I'm awfully hungry, I'm awfully hungry। मैं उसके फ्रेब में आ गया, I got duped by him, I got duped by him, I got duped by him। मैं जाऊं या ठहरूं? Should I leave or stay? Should I leave or stay? Should I leave or stay? कितनी देर लगेगी? How long will it take? How long will it take? How long will it take? ये कार ठीक नहीं चलती। This car doesn't run well. This car doesn't run well. This car doesn't run well. आप फिकर ना करें। You need not worry, you need not worry, you need not worry। मेरा घर खाली कर दो, vacate my house, vacate my house, vacate my house। वो तुम्हारा खैर खा है, ही इज योर वेल विशर, ही इज योर वेल विशर, ही इज योर वेल विशर। झगड़े का फैसला हो गया, द क्वारल इज सेटल्ड, द क्वारल इज सेटल्ड, द क्वारल इज सेटल्ड। मेरी भूख खत्म हो गई है, माई एपिटाइट हैज बीन लॉस्ट, माई एपिटाइट हैज बीन लॉस्ट, माई एपिटाइट हैज बीन लॉस्ट। जनाब की तारीफ, मे आई नो योर
नेम, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। वेल फ्रेंड्स, नाउ इट्स क्विज टाइम। इंग्लिश का वो कौन सा लफज है जिसमें डबल यू आता है, यानी कि इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जिसमें लेटर यू जो है वो डबल टाइम आता है। तो ये आपके लिए क्विज है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। आई विल बी देयर टू चेक योर आंसर। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।